हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स 07 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयर्स, यानी कि स्टेयर केस, यानी कि एक स्टेयर में जो हमारे कंक्रीट की वैल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है उसे हमें कैसे निकालना है और वो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूँ अपने टॉपिक की ओर, कैलकुलेट वैल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयर केस। तो इसमें हमें कैसे क्या करना है, तो पहले यहाँ पर मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फिगर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये हमारा एक फिगर है स्टेयर का, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, यानी कि ग्राउंड से लेके यहाँ फ्लोर तक की हाइट कितनी है, 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर है, यानी कि 3000 mm। तो mm में यानी कि एक ही यूनिट में सारा मैं लेना होगा इस बार, इसलिए मैंने यहाँ पर 3000 mm लिया हुआ। ठीक, उसके बाद ये है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये जो पोर्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मतलब की हाइट होती है उसे हम कहते हैं राइजर। ठीक, तो हमारा जो थ्रेड है 250 हो गया थ्रेड हमारा। ठीक, ये थ्रेड और ये थ्रेड 250 हो गया थ्रेड, और राइजर हमारा कितना है 150, ये हमारा राइजर हो गया। ठीक, इसको हमने नोट कर लिया, तो यहाँ पर मैंने एक अलग से यहाँ ले लिया है जिससे कि आपको पता चल जाए कि 250 हमारा क्या है, थ्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मतलब की लेंथ होती है उसे हम राइजर कहते हैं, वो क्या होती है 150। और एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ, एक राइजर और एक थ्रेड, यानी कि एक राइजर एक थ्रेड मिलके क्या बनता है, एक स्टेप, इसका आगे हमें यूज़ है, तो इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, एक स्टेप बनता है। ठीक, उसके बाद इसकी यहाँ से लेके यहाँ की जो ब्रेथ है उसको कितनी है, 1.2 मीटर। ठीक, यानी कि 1200 mm। ठीक, तो ये आप फिगर समझ गए गाइस। तो आता हूँ मैं कैलकुलेशन की ओर। नंबर वन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप हमें पता करना है। नंबर ऑफ स्टेप हमारी यानी कि इस फिगर में जो हमारा होगा नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा स्टेयर के लिए, तो वो निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है H/R। H/R यानी क्या है, हाइट। हाइट यानी कि जो मैंने बताया था 3 मीटर, और R क्या हमारा, राइजर। ठीक, तो हाइट हमारी कितनी थी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हाइट कितनी थी, 3000 mm, ये आपने देख लिया। ठीक, और राइजर कितना है 150, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आएगा 20 नंबर्स, यानी कि जो हमारा स्टेप्स होंगे कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स वो कितना होगा 20 नंबर्स। ठीक, उसके बाद हमारे हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारी क्या होती है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है। तो गाइस, यानी कि इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है। इसको हमें निकालने के लिए करना क्या होगा, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें जो हमारे जो स्टेप्स आए, नंबर ऑफ वो आए थे हमारे स्टेप्स, उसमें मल्टीप्लाई कर देना किससे, थ्रेड से। थ्रेड हमारा कितना था 250। ठीक, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारी 5000 mm यहाँ पर भी नोट कर लिया ये। ठीक, उसके बाद वेस्ट स्लैब, वेस्ट स्लैब हमें यानी कि वेस्ट स्लैब होती क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसे हम वेस्ट स्लैब कहते हैं। ठीक, ये वाली, ये डॉटेड वाली, डॉटेड सुपर वाली नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी वेस्ट स्लैब है। इसको हमें निकालना कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के रूल से हम इसको निकालेंगे। तो हमें करना क्या होगा, 3000 का होल स्क्वायर प्लस 5000 का होल स्क्वायर। ठीक, तो उससे हमें करना है, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने यानी अंडर रूट लगा दिया, पहले ही मैंने शॉर्टकट में कर लिया है। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5830 mm, तो ये हमारा आ गया कैलकुलेशन। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप वन, हाइपोजेंडियल लेंथ जो हमें निकालना है, मतलब कि इसको हमें चेक करने के लिए कि ये हमारी लेंथ सही आई है कि नहीं वेस्ट स्लैब की, तो मतलब कि दूसरा तरीका भी इसका मान ली यही है। तो हमें क्या करना होगा, जो ये है इसका हमें मतलब इसके उससे हम निकालेंगे स्टेप्स से, तो हमें इसमें क्या करना होगा, यानी कि जो हमारा ये है स्टेप वन हाइपोजेंडियल लेंथ, तो इसमें हम स्टेप से निकालेंगे। स्टेप में यानी कि एक स्टेप की यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद जो हमारी टोटल स्टेप्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तब पर जो लेंथ आई जाएगी। तो इस तरीके से भी एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं कि सही हमारा आंसर आया कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका होल स्क्वायर यानी कि थ्रेड का होल स्क्वायर और इसका भी 150 का भी होल स्क्वायर, दोनों का यानी कि प्लस कर देंगे, अंडर रूट लगा दी मैंने पहले ही कर लिया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या, 291.54 mm। तो स्टेप वन हाइपोजेंडियल लेंथ कितनी होगी, 291.54 mm। ठीक, उसके बाद वेस्ट स्लैब लेंथ क्या हो जाएगी, इससे हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमारी ये लेंथ आई थी स्टेप वन की उसमें है क्या करना होगा,
291.54 में जो हमारी ये लेंथ है इसमें मल्टीप्लाई करने का नंबर ऑफ स्टेप्स से, नंबर ऑफ स्टेप हमें कितना था, ये 20 है, यहाँ पे आया था आपने देखा था, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 5830 mm जो कि यहाँ पे आया था। यह देखिए तो वेस्ट लेप की दोनों ये लेंथ देखिए सेम हो गई, ठीक, इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन किया है। अब इसके बाद हमें वैल्यूम निकालना होगा, वैल्यूम यानी कि वेस्ट लेप का और ये इसके यानी कि जो ये हमारा जो स्टेप्स होंगे 20 उसका, दोनों को फिर आपस में हम जोड़ लेंगे। तो पहले वेस्ट लेप का निकाल लेते हैं, वैल्यूम ऑफ वेस्ट लेप, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक, वैल्यूम ऑफ वेस्ट लेप के लिए हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन सभी को वैल्यू को यहाँ पर हम किस में मीटर में कन्वर्ट करके करेंगे, तो हमारी लेंथ क्या आई थी गाइस, वेस्ट लेप की लेंथ कितनी थी, 5830 mm, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा 5.83 meters, ठीक, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमारी कितनी थी, ये फिगर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 1200 mm, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1.2 meters, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया 1.2 meters। उसके बाद हमारी हाइट, हाइट हाइट मैंने आपको भी नहीं बताई थी, ये जो वेस्ट लेप की यहाँ से यहाँ तक की जो ये थिकनेस होती है, समझे, यानी कि इसकी जो यहाँ से यहाँ की थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 15 centimeters ली जाती है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कितना आएगा 0.15, ठीक गाइस। तो ये हमारे सारी वैल्यू पुट हो गई यहाँ पर, एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों हमारी यहाँ नोट हो गई। इसको अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.0494 meters cubed। तो बस लेप की हमारी यानी इसका जो ये हमारा आ गया वैल्यूम, ठीक। अब उसके बाद हमारे जो ये 20 स्टेप्स यहाँ पे आए थे नंबर ऑफ स्टेप्स, अब उसका हमें निकालना है वैल्यूम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका निकालना है यानी कि जो हमारे स्टेप्स हैं इसका टोटल हमें वैल्यूम निकालना है। तो इसका हमें एक का हम निकालेंगे एक स्टेप का, ठीक, तो उसमें जितने हमारे टोटल स्टेप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल का हमारा जो स्टेप्स होंगे सबका हमें वैल्यूम पता चल जाएगा। तो आइए आते हैं फार्मूले की ओर, वैल्यूम ऑफ वन स्टेप, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच इंटू कैपिटल बी, यहाँ पे ये स्मॉल बी क्या हमारा बेस है, ठीक, और इंटू एच, एच क्या हमारा हाइट है, इंटू बी क्या है ब्रेथ, ब्रेथ किसकी, स्टेयर की, ठीक। तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ क्या है हमारा, बस तो गाइस यहाँ पे हमारा बी क्या है, बी हमारा बेस, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पे चाहे 200 ये 50 जो ये आप देख रहे हैं साइड में इसको मान सकते हैं या फिर इसको मान सकते हैं 150 को, जिसमें से आप चाहे जिसको मान लेते, मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ बेस अपना 250 को, ठीक, और इसलिए हमें हाइट क्या मानना पड़ेगा 150 को, ठीक, और हमारा जो क्या था ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 1200 mm, इसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में, क्योंकि पिछला जो इक्वेशन हमने की वो मीटर में की है, तो तभी हमें एम क्यूब में आंसर मिलेगा। तो आइए वैल्यू को हम पुटअप कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो 1/2 इंटू 0.250 ये रहा हमारा, ठीक, ये साइड में आप देख रहे हैं 250, इसको मीटर में कन्वर्ट करके हमने यहाँ रख लिया, ठीक। उसके बाद इंटू 0.150 ये हमारी जो हाइट थी इसकी, ठीक, जो कि हमारा राइजर था, उसको यहाँ हमने पुट कर लिया। उसके बाद ब्रेथ, ये ब्रेथ आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थी हमारी कितनी थी 1.2 meters, इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 0.0225 meters cubed। तो ये हमारा आ गया एक स्टेप का वैल्यूम। अब हम निकालेंगे ऑल वैल्यूम का, यानी टोटल जो हमारे स्टेप्स थे उनका हम वैल्यूम निकालेंगे। तो वैल्यूम ऑफ 20 स्टेप्स, हमारे 20 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको ये ऊपर बताया नंबर ऑफ स्टेप्स, तो यहाँ पे हमारे 20 स्टेप्स कितने में क्या करना होगा कि एक स्टेप की जो हमारा वैल्यूम आया है 0.0225 इंटू 20, क्योंकि 20 स्टेप्स हैं तो इक्वल टू आ जाएगा 0.45 meters cubed, ठीक। तो हमारा 20 स्टेप का ये वैल्यूम पता चल गया, ये 20 स्टेप का वैल्यूम पता चल गया, वेस्ट लेप का चल गया। अब दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे तो टोटल कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड जो होगा जितनी भी हमारा वैल्यूम आएगा इन दोनों का इक्वल वही हमारा कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो टोटल वैल्यूम ऑफ स्टेयर केस 1 यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो इक्वेशन 1 हमारी कितनी थी, इक्वेशन 1 1.0494 meters cubed, ये कर लिया, प्लस इक्वेशन 3 हमारी क्या थी 0.45 meters cubed, ये 0.45, ठीक, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5 meters cubed,
तो ये हमारा आंसर हो गया, हमारी कंक्रीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी एक स्टेयर के लिए 1.5 मीटर क्यूब। ये रहा हमारा फिगर, इस यानी कि हमारे रिक्वायर्ड होगी इस स्टेयर के लिए 1.5 मीटर क्यूब हमें रिक्वायर्ड होगी कंक्रीट की। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती है। थैंक यू सो मच।